नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर तीसरे दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पेशी हो रही है ईडी के सामने। इसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। पहले दिन यानी सोमवार को जब पेशी हुई थी तब पूर्व वित्त मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम बुरी तरीके से चोटिल हो गए थे, पसली में फ्रैक्चर हो गया था। दूसरे दिन मीडिया विभाग के प्रमुख पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला चोटिल। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने गोली चलाओ कहते हुए पुलिस से गुत्थम गुत्था हो रहे थे और अब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। मार्च निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, थाने में धरना दे रहे हैं, लेकिन ईडी अपना कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। उसने लगातार राहुल गांधी को तीसरे दिन बुला लिया। सबसे बड़ा सवाल है कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी जाँच कर रहा है, अच्छी ठीक बात है, लेकिन पेच कहाँ फंसा है कि तीसरे दिन बुलाना पड़ा है। अभी तक 17 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है, फिर सिर्फ लंच ब्रेक मिलता है उनको। तो आपको बता दें कि ईडी उस हर सवाल का जवाब जानना चाहता है जो राहुल गांधी बताना नहीं चाहते। राहुल गांधी जैसे जैसे घुमा रहे हैं, ईडी भी उन्हीं सवालों को घुमा करके पूछ रही है और बहुत सारे बातों का जवाब जो है सवालों का जवाब राहुल गांधी देना नहीं चाहते और दे नहीं रहे हैं। राहुल गांधी भी बहुत होशियारी से काम ले रहे हैं कि होता क्या है ईडी के पूछताछ में या जो भी जांच एजेंसी ऐसी पूछताछ करती है कि जितने सवाल करती है जो जवाब देता है सामने वाला, उन सवाल और जवाब को जो है रिटेन में लाया जाता है और फिर उससे आरोपी से साइन कराया जाता है। तो राहुल गांधी को 2 घंटे लग गए कल अपने दिए हुए जवाबों को पढ़ने में और जो द्विअर्थी या ऐसे वर्ड का ईडी ने इस्तेमाल किया है जिसकी व्याख्या कई तरीके से हो सकती है और राहुल ने उसका इस्तेमाल नहीं किया था, तो बाकायदे उन्होंने कहा कि पहले इन शब्दों को निकालिए तब जा करके मैं साइन करूंगा, मैंने ऐसा नहीं बोला है, ऐसी खबरें सोर्सेज के हवाले से आ रही है। तो सोचिए कि जब राहुल गांधी को 2 घंटे अपने दिए हुए जवाब को पढ़ने में लगे, उसके बाद उन्होंने चेंज कराया तब जाके साइन किया, इसीलिए प्रोसेस में देरी हो रही है। राहुल गांधी से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए थे। दरअसल है क्या कि जो AJL है, जिसने कि नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़ और नवजीवन जैसे अखबार निकालती रही है कंपनी, उसको जो इन्होंने नई कंपनी बनाई, उस नई कंपनी में मालिकाना हक चला गया, उसको लेकर के विवाद चल रहा है कि 5 लाख से आप जो है यंग इंडियन कंपनी बनाते हैं और उसका जो है 2000 करोड़ की मालकिन कंपनी AJL का मालिकाना हक चला जाता है, 90 करोड़ कांग्रेस जो है वो उसको लोन देती है और जैसे ही नई कंपनी ने उसे टेक ओवर किया वैसे ही जो है उसको माफ़ कर दिया जाता है उस लोन को। तो ये सब मामला इतना सीधा साधा नहीं है, इसमें सीधे सीधे पैसा और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। इसके बाद सेल कंपनियों का भी इसमें रोल है, जो ट्रांजैक्शन होता है बचने के लिए, कानून के नज़र से बचने के लिए, उसका भी इसमें रोल है। राहुल गांधी से पूछा जा रहा है, ईडी पूछ रही है कितने खाते हैं, कहाँ कहाँ खाते हैं, कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टी है, उस सारा कुछ ईडी जानना चाहती है। और राहुल गांधी, स्वाभाविक सी बात है कि जब ऐसी कंपनियाँ बनती हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है। आप चाहे जितने वकीलों और CA की सलाह लेकर के करें कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, पकड़ ही लेते हैं। तो ये मामला जो गया था वो सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में वो अदालत में लेकर के गए थे और वहाँ से शुरू हुआ था। जब तक UPA के शासन रहा मामला दबा रहा, जैसे ही मोदी सरकार आई इसने मामले को फिर से उठाया और इसमें सक्रियता लाई और उसका नतीजा ये है कि मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन दबा नहीं सके और अब जो है जाँच पड़ताल हो रही ईडी के सामने। अभी राहुल गांधी पेश हो रहे हैं, इसके बाद सोनिया गांधी को पेश होना है। सोनिया गांधी को कोरोना हुआ है इसलिए वो अस्पताल में गंगाराम में भर्ती हैं, जैसे ही वो ठीक होती हैं 23 जून तक समय लिया है, उनको भी पेश होना है। तो उन सवालों का जवाब पूछा जा रहा है
ये इतना आसान केस नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी तो कह रहे हैं कि 20-25 साल के लिए कांग्रेस का काम हो गया और इसमें जो है सजा भी बहुत सख्त होनी, उनका ये दावा है। और कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उनके सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, वही इस मामले में फंस गए। और बीजेपी बार बार इसको लेकर के तंज कसती है कि जमानत पे हैं दोनों, जमानत पे हैं दोनों। तो मुश्किल तो हो ही गई, कोई और कार्यकर्ता होता, कोई और नेता होता तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं कि आप संघर्ष करो, या वो जेल में भी है तो भी मेन जो गांधी परिवार है, कांग्रेस का जो आप कह सकते हैं शीर्ष परिवार है, यदि वही फंस गया, उसमें भी उसके दो बड़े नेता, शीर्ष नेता, तो मुश्किल तो हो ही गई है। कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी स्वाभाविक है, लेकिन कानून तो कानून है, कहाँ छोड़ता है किसी को। आपको याद है ना, जब गुजरात के CM थे नरेंद्र मोदी, तब उनसे भी ऐसे ही जो है दिन भर बिठा करके SIT ने पूछताछ की थी। और अब राहुल गांधी आज तीसरे दिन बुलाए गए हैं, इसी को कहते हैं राजनीति। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।